से कार्यक्रम का आयोजन। करण जय सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी गुरुग्राम से। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। करण, क्या है तस्वीर और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल शामिल होने वाले हैं, कुमार विश्वास की परफॉर्मेंस यहाँ पर होगी? बिल्कुल पंकज, देखिए गुरुग्राम होम डेवलपर्स एसोसिएशन की तरफ से शहीद दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मंच सज चुका है, तमाम जो पंडाल है वो सज चुका है। अब कुछ ही देर में जो हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय वो पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। क्योंकि देखिए 23 तारीख का आज दिन है और शहीद दिवस समारोह जो है वो उस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है और कुछ ही देर में जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो यहाँ पर तमाम जो गेस्ट है वो पहुंचेंगे। फिलहाल लोगों से किस तरह से आज कार्यक्रम रहने वाला है, क्या क्या मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचेंगे और किस तरह से शहीदों को सम्मान किया जाएगा। मुख्य अतिथि तो हमारे हरियाणा स्टेट के, वो तकरीबन 7:30 और 8 के बीच में पहुंचेंगे। हमारा जो मेन मकसद है ये उन 23 वीरांगनाओं को सम्मानित करना है जिनकी पत्नी जिन्होंने शहीद हुए इस देश के लिए, उनकी पत्नियों को हम सम्मानित कर रहे हैं जिनको देश भूला हुआ। आखिरकार क्योंकि देखिए 23 तारीख वो तारीख है जिस दिन वीर सपूतों को याद किया जाता है, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जिनकी बदौलत हमें आजादी मिली है। कितना जरूरी हो जाता है कि ऐसे वीरों को याद करना, एक दिन उनके लिए निकालना और उस दौरान उन तमाम परिवारों को भी सम्मानित करना। देखिए बहुत आसान है हमारा ये कहना घर में बैठ के हमें सेफ फील करना बहुत आसान, लेकिन जिस वजह से हम आजाद हुए, जिन लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस देश को आजाद कराने के लिए, हमें उनको बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हर टाइम याद रखना चाहिए। हर घर का एक फर्ज है कि अपने घर में ऐसा काम किया जाए जो देश के हित में हो, जो जगाने वाला काम हो, हमारे देश का कोई मुकाम नहीं। लोगों की बात करें, कितने लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, कितनों की संभावना जताई जाएगी? 500 लोगों की संभावना है यहाँ पहुंचने के लिए और अरेंजमेंट भी हमने अपनी तरफ से निभाई है, करने की कोशिश की। डॉक्टर कुमार विश्वास परफॉर्म करेंगे, उसके बाद एक लेजर शो होगा जो 5 से 7 मिनट गारंटी है भाई साहब, आंखों में आंसू आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज दिन है शहीदों का और शहीदों को ही सम्मानित जो है वो इस मंच के माध्यम से किया जाएगा। मैम भी मौजूद है हमारे साथ। मैम, उन युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज जाता है जो अब बड़े हो रहे हैं, उनको इन वीरों के बारे में पता चल सके, वो उनके बारे में जान सके, अपने इतिहास को भी जान सके, कितना जरूरी है इस तरह के कार्यक्रम का होना? बहुत जरूरी है, इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि युवा पीढ़ी जो आज हमारी बटकी हुई है उनको इस बात का एहसास हो कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं किनकी वजह से। तो एक काम करें, क्या संदेश भी आप देना चाहेंगे युवाओं को? देना चाहूंगी यही संदेश कि वो आगे आकर के इस तरह के कार्यक्रम को भी ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि युवा पीढ़ी युवा को किस लिए हम लोग कर सकते हैं तो युवा पीढ़ी को ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल पंकज, देखिए क्योंकि कुछ ही देर में अब कार्यक्रम की शुरुआत होगी, मंच जो है वो सज चुका है, कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उमा जी हमारे साथ हैं। उमा जी, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आज का दिन, क्योंकि 23 मार्च है और इस दिन को आप शहीद दिवस समारोह के रूप में मना रहे हैं, तमाम शहीद परिवार को भी सम्मानित किया जाएगा, युवा पीढ़ी को क्या मैसेज जाता है इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए आज शहीदी दिवस है, मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी से अगर आप पूछेंगे तो आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि आज शहीदी दिवस है। शहीदी बस ये होता है कि हाँ छुट्टी है, छुट्टी का दिन है। वो जो शहीद हुए जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए, जिनका परिवार पीछे से वही है परिवार जो भुगत रहा है, उनके नहीं रहने की कमी महसूस कर रहा है, और कितनी मुश्किलें आती है ये हम अगर सोच कर लेंगे तो हमारी मौतें खड़े हो जाएंगे। एक आदमी के नहीं रहने से उसकी पत्नी का क्या हाल हो रहा है या उसकी माँ का क्या हाल हो रहा है, प्रयास है ऐसे शहीदों या उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित करने का जिसने हंसते हंसते अपने बच्चे को और अपने पति को देश की सीमा पर भेज दिया और वो वहाँ पे अपनी जान से लुटा कर आ गए, और भी कुछ नहीं तो समाज करना। यही एक वजह है कि सरहद पर वो खड़े और आज यहाँ पर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। कितने परिवारों को सम्मानित किया जाएगा इस बच्चे? पहली बार है, कोशिश है 23 मार्च। लोगों की बात करें तो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आएंगे, क्या गुरुग्राम से ही लोग होंगे या फिर बाकी जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए कोशिश की गई है
क्या आगे भी इस तरह के कार्यक्रम अगले साल या उसके अगले साल की उम्मीद करें कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे? करेंगे